तो मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ आप देख सकते हो इसका ब्रिक का जो है ये आपकी 9 इंच है या कह सकते हो आपकी 230 mm आ गई। दोस्तों गुड मॉर्निंग, दोस्तों मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हो कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ब्रिक यूज़ हो रही है या कह सकते हो जो ईंट यूज़ हो रही है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है। दोस्तों कौन सी क्लास की ब्रिक यूज़ हो रही है, दोस्तों उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी जो ब्रिक क्लास है कौन सी है, फर्स्ट क्लास ब्रिक है या सेकंड क्लास ब्रिक है या थर्ड क्लास ब्रिक है। दोस्तों आप अपनी साइट पे या अपने घर पे कैसे पता लगा सकते हो। दोस्तों और इस वीडियो के लास्ट में आप देखोगे कि आप एक ब्रिक का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो विद मोटार या विदाउट मोटार। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो मैंने दोस्तों एक 5 ब्रिक के एक सैंपल ले लिए। तो सबसे पहले मैं एक एक करके सबका साइज चेक कर लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद इसमें पता लग जाएगा कि हमारी की टॉलरेंस दोस्तों कितनी आ रही है, लेंथ में कितनी आ रही है, विड्थ में कितनी आ रही है और हाइट में आपकी दोस्तों कितनी आ रही है। तो मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ आप देख सकते हो इसका ब्रिक का जो है ये आपकी 9 इंच है या कह सकते हो आपकी 230 mm आ गई। दोस्तों उसके बाद आप इसकी अगर विड्थ की बात करोगे तो विड्थ आपकी दोस्तों ये आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी दोस्तों 4.25 इंच आ गई है, 112 mm दोस्तों इसकी विड्थ आ गई। और हाइट की बात करें तो हाइट में आपकी दोस्तों ये 3 इंच हाइट है दोस्तों इसकी, 3 इंच या 75 mm आप कह सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद मैं दूसरे नंबर की ब्रिक की बात करूँ तो दूसरे की अगर बात करूँ तो इसका भी आप चेक कर सकते हो, इसमें आपके दोस्तों 3 mm का दोस्तों वेरिएशंस आ गया इसमें, इसकी लेंथ में। और विड्थ की बात करूँगा तो विड्थ में आपके दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं उसमें 4.25 इंच था दोस्तों, ये आपकी 4.5 इंच आ गई है, मतलब कि 6 mm की दोस्तों इसमें वेरिएशंस आ गई है। और हाइट की बात करूँ तो हाइट भी देख सकते हो, हाइट आपकी इसकी ठीक है दोस्तों, 3 इंच हाइट है इसकी। और बात करूँ मैं थर्ड नंबर ब्रिक की तो थर्ड नंबर ब्रिक पर आप चेक कर सकते हो, इसमें भी आपके 3 mm का वेरिएशंस आ रहा है दोस्तों, ये देखो ये आपकी 9 इंच से कम है, ये आपकी आ गई 9.25 इंच है दोस्तों, ये आपकी 9.25 इंच है। और इसके अलावा मैं विड्थ की बात करूँगा तो विड्थ में आप देख सकते हो ये भी आपकी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी 4.5 इंच है। और हाइट आपकी है दोस्तों ये 3 इंच। अगर मैं वही फोर्थ नंबर की बात करूँ, फोर्थ नंबर में आप चेक कर सकते हो ये बिल्कुल आपका ये भी है दोस्तों कितना है, 9 इंच से कम है दोस्तों, मतलब कि आपकी 9.25 इंच इसकी में भी आ गई है। आप कह सकते हो ये दोस्तों जो आपका साइज आ रहा है ये आ रहा है 227 आ रहा है दोस्तों, यह mm में मैं बात करूँ इसका। तो अगर विड्थ की बात करूँ विड्थ में भी आप चेक कर सकते हो ये आपकी प्रॉपर कितनी है, आपकी दोस्तों 4.5 इंच आ गई है। और हाइट की बात करूँ तो हाइट मैं आपको दिखाता हूँ इसकी 3 इंच आ गई है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों मैं अगर सेकेंड नंबर की बात कराऊँ तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि जो आपकी साइट पर जो ब्रिक आई है, जो घर पर ब्रिक आया है वो कौन सी क्लास की ब्रिक है, तो मैं आपको अपनी साइट के बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये हमारे पास सेकेंड क्लास की ब्रिक है, इसके मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी आप इसका शेप चेक कर सकते हो, जो आपकी शेप होगी जो आप दोस्तों वो क्या होगी, रिक्टेंगुलर तो होगी लेकिन बिल्कुल आपके जो एज वगैरह होंगे बिल्कुल 90 डिग्री में नहीं होंगे दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल आपके 90 डिग्री में एज नहीं वो है नहीं सर दोस्तों, 90 डिग्री में है नहीं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ये चीज़। और बात करूँ मैं अगर सेकेंड नंबर में आप इसका क्या चेक कर सकते हो, इसमें आप इसका चेक कर सकते हो जितने भी आपकी आपका सरफेस होगा जो ये सारी रफ होगी दोस्तों, ये आपकी दोस्तों क्या होती है रफ़ आ जाती है सरफेस आपकी, ये रफ़ होगी जितने भी आपके सेकंड क्लास के ब्रिक होंगे। और इसमें आपको क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे, आप मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके सेकंड क्लास ब्रिक में क्रैक देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें कंपेरिटिवली करोगे आप फर्स्ट क्लास के ब्रिक में तो आपको बीच में फ्री फ्रॉम क्रैक्स होगा दोस्तों। उसके बाद आपकी क्या होगी जितने भी आपके शेप्स होंगे बिल्कुल क्या होगा रिक्टेंगुलर साइज में एजेस बिल्कुल प्रॉपर होंगे दोस्तों इसमें। अब बात करें इसकी थर्ड नंबर में, इसका आप कलर चेक कर सकते हो, कलर जितने भी आपके जैसे कि आपके मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास जो सेकंड क्लास की ब्रिक है इसमें आपको देखें येलोपन दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपका पीलापन दिख रहा है और कुछ रेड दिख रहा है, मतलब कि येलो रेड दोस्तों आपका इसका कलर आ गया इसमें। अब मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, इसमें देख सकते हो। अगर बात करें वही फर्स्ट क्लास ब्रिक से कंपेरिटिवली करें दोस्तों तो आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों रेड कलर होगा इसमें बिल्कुल, और वेल बर्नड होगा दोस्तों बिल्कुल, इसमें आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर दोस्तों कुछ ज़्यादा पकी हुई है दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, मैं आपको सारे ब्रिक में दिखाता हूँ दोस्तों, आप इस पर चेक कर सकते हो दोस्तों, आप इसके एजेस वगैरह देख सकते हो बिल्कुल ये टूटे हुए हैं, आपको ये आपकी सेकंड क्लास की ब्रिक आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस आज इस वीडियो में इतना ही, अगली बार मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ।
जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।